कैमूर पहाड़ी के रोहतास गढ़ किला परिसर में एक पुस्तक के विमोचन समारोह में शामिल होने वीआईपी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी पहुंचे थे। रोहतासगढ़ किला के इतिहास पर लेखक राजबली यादव द्वारा लिखी गई पुस्तक रोहतासगढ़ का उन्होंने विमोचन किया। इस दौरान लोगों ने मुकेश सहनी का जोरदार तरीके से स्वागत किया। कार्यक्रम के बाद सहनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कुंडनी विधानसभा में वीआईपी का प्रत्याशी भी मैदान में उतरेगा। आपको बता दें, बिहार में विधानसभा की एक सीट कुंडनी में 5 दिसंबर को उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें महागठबंधन और एनडीए बड़े बड़े दांव पेच आजमा रहे हैं। राज्य में सत्तारूढ़ महागठबंधन की ओर से जेडीयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा ने सोमवार को नामांकन भी कर दिया था, जिसके बाद भाजपा ने केदार गुप्ता को प्रत्याशी घोषित किया। आपको बता दें, एआईएमआईएम के टिकट पर मैदान में ताल ठोकने के लिए उतरे गुलाम मुर्तजा भी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। वहीं अब वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने भी अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। वीआईपी से नीलाभ कुमार कुंडनी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कुंडनी विधानसभा में सबसे पहले हमने घोषणा किया कि 16 तारीख को नामांकन करेंगे। वीआईपी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे, किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। बिहार में हमारे पास इतना अकेले वोट है कि हम चुनाव जीत सकते हैं, तो इसको लेकर समीकरण बना के हम लोगों ने काम कर रहे हैं प्रत्याशी का नामांकन। तो राजनीति में, बिहार की राजनीति में प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका आपके नामांकन करने से? पड़ेगा, बिल्कुल ही पड़ेगा, इसलिए तो सन ऑफ मल्ला नाम है, प्रभाव तो पड़ेगा। आज देखिए कि एक बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि किस समीकरण में हम अपने प्रत्याशी को उतारे, तो आज उन्होंने डरते उन्होंने अपने प्रत्याशी का नॉमिनेशन कराया अभी, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारे प्रत्याशी मजबूती से लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। तो बहुत खतरा हो जाएगा फिर गठबंधन में इस सब में। अब जिनको खतरा होना है वो सोचे ना, हम तो लड़ने के लिए मैदान में आए, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और जिनके कुर्सी है कुर्सी से उतरेंगे उनको सोचने की आवश्यकता है। हमें जरूरी नहीं, हमारे हाथ में कुछ है नहीं खोने के लिए, जिनको खोना है उनको सोचना है। हमारी तो लड़ाई है भाई, केंद्र में आपकी सरकार है, आप हमारे लोगों को आरक्षण दीजिए, हमारे लोगों को सुविधा दीजिए, इसी यही सारी चीज़ें लड़ाई है। और मुझे लगता है जो हमारी फिक्र करेंगे तो हमारे लिए काम करेंगे, फिक्र नहीं करेंगे तो हम इसी तरीके से, इस तरह से खुली चुनौती है सारे पार्टियों के। देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारी राजनीति पार्टी है, चुनाव लड़ने का हमारा अधिकार है और इसके लिए हम लड़ेंगे और हम जीतने के लिए लड़ेंगे। अब कौन हारता नहीं हारता उसके लिए हम कहाँ ध्यान देंगे उनको। मुजफ्फरपुर जिले की कुंडनी विधानसभा क्षेत्र भूमिहार बाहुल्य है और यहाँ 60,000 सवर्ण वोट बैंक भी है। भूमिहार जाति का वोट यहाँ निर्णायक रहा है, जिसे बीजेपी अपना परंपरागत वोट बैंक मानती है, लेकिन दोनों ही गठबंधनों ने यहाँ किसी भी भूमिहार को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। लेकिन मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी वीआईपी का उम्मीदवार भूमिहार जाति के एक नौजवान नीलाभ कुमार को बना दिया है, जो क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे साधु शरण के पोते हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि वीआईपी एक राजनीतिक पार्टी है और चुनाव लड़ना उनका दायित्व है।